हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप में डीपी को कैसे हाइड करें। अगर आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर मतलब डीपी को किसी स्पेसिफिक पर्सन से या फिर कॉन्टैक्ट से हाइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्टेटस हाइड करना तो काफ़ी सिंपल है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, बट डीपी में आपको थोड़ा सेटिंग के अंदर जाना रहता है और तब आप उसको हाइड कर सकते हैं। सो कैसे आप डीपी हाइड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन से या फिर अपने कॉन्टैक्ट से, सब कुछ आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करते ही मैं आपको पहले बता देता हूँ स्टेटस को कैसे हाइड करना है। अगर आपको स्टेटस हाइड करना नहीं आता है तो सिंपली बता देता हूँ। तो स्टेटस के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पे आपको कॉर्नर पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और स्टेटस प्राइवेसी पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट और ओनली शेयर विद। तो आप अपना स्टेटस उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनका नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो आप माय कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। बट आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करते ही आप जिससे हाइड करना चाहते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे राइट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिलेक्ट करके आपको टर्न कर देना है। और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ओनली शेयर विद। अगर आप स्टेटस को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी वही रहता है जिन लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट काफ़ी सारे हैं और आपको किसी स्पेशल बंदे के साथ शेयर करना है तो वही आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो आपको स्टेटस की प्राइवेसी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब सिंपली आपको बैक आना है। डीपी के लिए आपको चैट के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अकाउंट्स में आना है। अकाउंट में आने के बाद प्राइवेसी के सेक्शन में आना है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल फ़ोटो, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को किसी से हाइड करना चाहते हैं तो माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे करके आप उसको सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपका एक एवरीवन रहेगा तो कोई भी बंदा आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उसको सेव करेगा तो वो बिना आपको मैसेज करे आपकी प्रोफाइल देख सकता है। अगर आप माय कॉन्टैक्ट कर देंगे तो जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर रहेंगे वही उस डीपी को देख सकते। कोई भी अननोन नंबर रहेगा वो आपका नंबर सेव भी कर लेगा, बट अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर सेव नहीं रहेगा तो वो आपकी डीपी नहीं देख पाएगा। या फिर सिंपली अगर आप नोबडी कर देते हैं तो कोई भी किसी को भी आपकी डीपी शो नहीं होगी। तो सिंपली आप अपने तरीके से इसको रख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप अपनी डीपी को किसी स्पेसिफिक पर्सन से या फिर कॉन्टैक्ट से हाइड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।